नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज बहुत दिनों बाद मैं निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ अगरतला और डिस्टेंस दिखा रहा है 233 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और हम लोगों को 7-8 घंटा लगने वाला है, तो आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे और देखते रहिएगा वीडियो। पेट्रोल पम्प में हमने स्कूटी को पानी डलवा दिया और 3.8 लीटर का तेल आए हैं। अभी देखते हैं, इसका 100-150 किलोमीटर बाद इसको रिफ्यूल करना पड़ेगा। और वेदर बहुत ही मस्त हो रहा है, बस बारिश ना आ जाए और ऐसे ठंडे वेदर में हम पहुंच जाए। अब हम लोग आ गए लोहाईपुआ बाईपास में। यहाँ से 10 किलोमीटर है असम त्रिपुरा बॉर्डर और फिर हम ऑफिशियली त्रिपुरा में एंटर कर जाएंगे। ये लोहाईपुआ बाईपास की वजह से हम लोगों को 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा और ट्रैफिक को भी झेलना नहीं पड़ेगा लोहाईपुआ के साइड में। पर इस रास्ते में एक प्रॉब्लम है कि यह रास्ता कंप्लीट, शायद मिट्टी सेटल होने से पहले ही रास्ता कंप्लीट कर लिया, तो बहुत ही उबड़ खाबड़ मतलब वेव जैसा पैटर्न बन गया है रास्ते में, तो स्मूथली नहीं जा पा रहे। फिर भी ट्रैफिक नहीं है और वेदर चिल्ड है तो मज़ा आ रहा है। हम लोग असम त्रिपुरा के जुराईवाड़ी बॉर्डर पे आ चुके हैं और यहाँ पास आते ही ट्रकों की लंबी कतार शुरू हो गई है। सामने जुराईवाड़ी चेक पोस्ट है, पर ट्रकों को चेक करवाना पड़ता है, पर प्राइवेट व्हीकल का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से हम जा सकते हैं। ये लगा हुआ है पुलिस बैरिकेड असम पुलिस का और इसे पार करते ही हम ऑफिशियली त्रिपुरा में एंटर कर जाएंगे। ये हम ऑफिशियली अभी त्रिपुरा में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अगरतला दिखा रहा है 179 किलोमीटर। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्कूटी है तो हम ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते, लेकिन हम एक एवरेज 60-65 का स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, पूरा दिन है हमारे पास। हम लोग अभी आए हैं टायर के शॉप में और गाड़ी का हवा चेक कर रहे हैं, देख लेते हैं। और अभी तो बहुत लंबा जाना है तो इसलिए पहले से चेक करके फिर निकलते हैं। और ये हम अभी एंटर कर चुके हैं त्रिपुरा में। ये देखिए बड़े बड़े ट्रकों का मेला लग चुका है, तो अभी चलते हैं। थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है, सामने जाके ढाबा में थोड़ा खाना खाएंगे और जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों का हवा हो गया ठीक ठाक, सामने वाला हो गया था 35 से ऊपर, तो इसलिए थोड़ा ऐसे जर्क ज़्यादा दे रहा था। अभी हम लोगों ने एयर प्रेशर सही कर लिया। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सारे टायर के दुकान हैं और हम लोगों को जो जाना है उस तरफ जाना है। हम लोग इस ढाबे में आए थे लेकिन कल दुर्गा पूजा का दशमी था, तो दशमी के बाद बहुत लेट से सोए ये लोग और अभी तक खाना वाना कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा बिस्कुट और केला खा लिया हम लोगों ने। इसका सेटअप बहुत बढ़िया है। ये रहा हमारी सवारी और अभी मैं लूँगा थोड़ा रेस्ट और छुड़दा चलाएगा अभी। वेदर अभी तो बहुत मस्त है लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये रोड्स देख के लग रहा है कि सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हुई है। हम प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना मिले हमें, ऐसे ही वेदर में हम निकल जाए। धूप भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, तो देखते हैं कितना दूर तक हमें जाने देंगे। हम लोग पानी सागर पहुँच चुके हैं और बहुत देर से भूख लग रही है लेकिन यहाँ पे आसपास कोई होटल नहीं मिल रहा और सुबह का वक्त है तो जो होटल है वो भी बंद है और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। तो हम ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं कि कहाँ होटल मिले। होपफुली इधर आसपास कोई मिलेगा, नहीं तो हमें कुमारगढ़ जाके ही खाना पड़ेगा। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो हम चला रहे हैं। हमारे पास रेन गियर है लेकिन शूज़ को कवर करने का कोई सामान हम नहीं लाए और शूज़ अगर भीग जाएंगे तो दूसरा पेयर भी नहीं है हमारे पास। तो अभी देखते हैं कितना देर तक हम चल सकते हैं आगे
अगर ज़्यादा हुआ तो आसपास कोई दुकान देख के रुकेंगे और बारिश थमने का वेट करेंगे। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम कुमारघाट की सड़कों में घूम रहे हैं और होटल ढूंढ रहे हैं। यह रहा दुर्गा पूजा का गेट, और क्योंकि दशमी कल ही ख़त्म हुआ है तो गेट अभी तक है यहाँ पे। हम होटल ढूंढते हैं और जल्दी जल्दी खाना खा के निकलते हैं यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं कुमारघाट और अभी हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हैं, अन्नपूर्णा होटल में। तो अंदर चलते हैं। ये रहा हमारा स्कूटी और सारा सामान स्कूटी में ही पड़ा है। तो सामने ही रेस्टोरेंट है। बहुत दिनों बाद केले के पत्ते में खाने का मौका मिला है और ये खाना देख के बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हाँ, तो हम लोगों को फाइनली खाना हो गया और अभी बहुत शांति लग रहा है। तो अब हम कुमारघाट से निकलने वाले हैं और अभी 3-3.5 घंटे का राइड दिखा रहा है, तो होपफुली 4 घंटा लगेगा क्योंकि रोड अच्छा नहीं है, रोड बहुत जगह ख़राब है और स्कूटी लेके जल्दी जा भी नहीं सकते, तो आराम से जाना पड़ेगा। फाइनली हमारे किस्मत के काले बादल छट चुके हैं और पूरा क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है। तो हम बढ़िया से अब राइड करते हैं और एंजॉय करते हुए चलते हैं। इस रोड का अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है, तो बीच बीच में ऐसे ऑफ रोड पैचेस आते रहते हैं और कुछ जगह पे शायद उनको क्लियरेंस नहीं मिला, और इन पैचेस के आसपास ये बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। तो हम एंजॉय कर रहे हैं राइड और थोड़ा धूल मिट्टी भी खा रहे हैं। ऑफ रोडिंग के बाद हमें फिर से टारमैक मिल गया और ये बच्चे लोग ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं, जो कैमरा देख के खुश हो गए और इन्हें देख के हमें भी बहुत खुशी मिली। ये रास्ता जा रहा है पहाड़ों के बीच में से, नया नया कंस्ट्रक्शन है और इस साइड में देख सकते हैं आप, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जाली लगी हुई है। हमें फिर से एक डाइवर्शन लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। पर इस रास्ते में जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने कोई साइन नहीं लगाया है, तो रोड में आप सीधा चले जाएंगे, डाइवर्शन का कोई साइन ही नहीं है। हम 2-3 बार ऐसा हुआ, हम सीधा गए और फिर वहाँ पे देखा डेड एंड आ गया, फिर घूम के वापस डाइवर्शन ढूंढ के आना पड़ा। तो इससे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है ऐसे। ऊपर क्लियर ब्लू स्काई और नीचे स्मूथ टारमैक, तो राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और व्यू एंजॉय करते करते हम चल रहे हैं। हम खवाई डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ चुके हैं और अगरतला से अभी 40 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे थोड़ा देर रुके हैं ये व्यू देखने के लिए। क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है ना, आप भी एंजॉय कीजिए और हम भी थोड़ा देर एंजॉय करते हैं। हम लोग अगरतला सिटी में एंटर कर चुके हैं और अभी एक सिग्नल पे रुके हुए हैं हम लोग, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो लाइटिंग किया है पेड़ों में, और ये देखिए शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा। तो अब हम चलते हैं सिटी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल में, रूम लेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, और टाइम मिले तो रात को निकलेंगे, नहीं तो कल सुबह निकलेंगे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ बाड़ी। ये रहा जगन्नाथ बाड़ी का मेन एंट्रेंस, और वहाँ पे पेड़ के नीचे पार्क थे हमारे स्कूटी। जगन्नाथ मंदिर में तो हमें रूम नहीं मिला, कल सुबह शायद खाली होगा। तो आज के लिए हम चलते हैं वापस और ढूंढते हैं होटल ताकि रात का गुजारा हो सके। हम लोग आ चुके हैं होटल रूम पे। शाम को निकल के थोड़ा खाना खाया, चावल खाया, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना अगरतला में, अभी तक दुर्गा पूजा का वो माहौल चल रहा है, लोग पूजा देखने निकल रहे हैं, हमारे वहाँ तो ख़त्म हो चुका है पूजा। तो अभी बहुत टायर्ड है, पूरा दिन राइड करके आए, तब सोते हैं और कल कहाँ जाना है प्लान करेंगे सुबह उठ के, और आपको भी बताएंगे। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।